है क्या? पूछिए ना, पूछिए आगे आगे पूछिए, जब तक आगे आएंगे मैं अगले सवाल से पूछूंगा। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, उनको माइक दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूँ। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भेजा दीजिए, भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर, सही बात है ना? देखिए सच्चाई है। किसान सोसाइटी के बारे में उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ विजय नहीं क्या? मराठी अखबारों के लोग हिंदी में पूछते हैं, आपने विदर्भा बोला तो मैं विदर्भ के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। जब हम विदर्भ के बाउंड्री पे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमें वहां पे अंदर आने से पहले वहां पे आपका एक गीत सुनना है। राष्ट्र संत के बड़े, आप थे वहां पे? नहीं, आप नहीं थे वहां पे। गीत सुनना है तो मैं वहां पे मैं गीत सुन रहा था और मेरे दिमाग में सवाल था उस टाइम जब वो गीत गा रहे थे। मुझे गीत बहुत अच्छा लगा और जब वो गा रहे थे मेरे दिमाग में सवाल था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो वर्धा क्यों गए? मेरे माइंड में क्वेश्चन था, कितनी जगह है हिंदुस्तान में, कितने स्टेट्स हैं, वो यहां क्यों आए? तो मैं मेरे दिमाग में ये सवाल था और मैं सोच रहा था और फिर गीत के बाद वहां पे एक बड़ा सा आपने गेट लगा रखा जी। और गेट के जैसे ही मैं अंदर गया 10 मिनट नहीं हुए मुझे बात समझ आ गई कि जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली विदर्भ में है और जो नेचुरल कांग्रेस ही होता है वो सब विदर्भ में बैठे हुए हैं। अब आपने बोला विदर्भ के किसानों की बात की, विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भाई यहाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करें। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को, तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श बन जाएगा।
उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की, आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था। और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था, यूपीए ने एकदम यहाँ पे पैकेज दिया था। अखिलेश मिश्रा